So guys, this is Kamil and you're watching के production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया आईफोन के अंदर आप कैसे 3 layer वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि आप एक ही स्क्रीन में 3 वीडियो एक साथ में कैसे प्ले कर सकती है, उस तरीके वीडियो कैसे बना सकते हो अपने आईफोन के अंदर इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है. तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा 3 layer वीडियो बनाने के लिए, जिस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का नाम है BN वीडियो एडिटर. सो इसे डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर को ओपन करेंगे. ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सर्च बार में आप टाइप करेंगे BN लिख के, ठीक है. सो अगर आप BN लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा BN वीडियो एडिटर. इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन. तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना. मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया. और डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे. ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है. नीचे आपको प्लस आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. एंड देन सबसे पहले आपको यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक फोटो ऐड कर लेना है. या आपको स्टॉक मिलता है, स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इमेज मिल जाएगा. आप यहाँ से ब्लैक कलर का इमेज को सिलेक्ट करना. उसके बाद आपको नीचे रखो ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है या जो फोटो है वो आ चुका है ब्लैक कलर का. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन मिलता है, आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ था डायरेक्टेड बाई इनपुट टाइटल कुछ ऐसा. सो आप इसे डिलीट कर लेना डिलीट के ऊपर क्लिक करके. उसके बाद आप अपनी ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे. इसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको बड़ा कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से. सो ये आप देख सकते हो मैंने इसका टाइम लाइन बड़ा कर लिया. उसके बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 9:16 सिलेक्ट कर लेना. 9:16 सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टैप टू एड स्टिकर /PIP मिलता है. सो आप इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टॉक, आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो वीडियो इसको सिलेक्ट कर लेंगे. वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एक एक करके अपना सारा वीडियो ऐड कर लेंगे या रिसेंट के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली फोल्डर से अपना वीडियो ऐड कर सकते हो. तो यहाँ से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है. सबसे पहले आप अपना जो सबसे पहला वीडियो इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद आप इसे ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर में सेट करेंगे, ठीक है. सो इसका जो साउंड है आप इसे चाहो तो म्यूट कर सकते हो, तो इसका साउंड हम म्यूट कर लेते हैं सबसे पहले. सो इसका साउंड हमने म्यूट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो. उसके बाद आपको अगेन ये जो आप मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर. यहाँ से अपना जो सेकंड वीडियो इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं अपना सेकंड वीडियो ऐड करता हूँ. सो मैंने अपना सेकंड वीडियो ऐड कर लिया है. उसके बाद आप इसे यहाँ पर सेट करेंगे और आप इसे जूम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जूम करना चाहते हो कर सकते हो. अगेन आप इसका जो साउंड है या वॉल्यूम उसको आप म्यूट कर लेंगे. उसके बाद यहाँ से आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो थर्ड वीडियो उसको सिलेक्ट करेंगे. सो यहाँ से मैं अपना थर्ड वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ. सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना थर्ड वीडियो ऐड कर लिया एंड इसको बिल्कुल नीचे की साइड पर आपको सेट करना है एंड इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है. सो बड़ा करके आप इसे सेट कर लेना. अभी आप देख सकते हो हमारा 3 layer वीडियो बन के तैयार हो चुका है एंड इसका भी जो साउंड है जो वॉल्यूम उसको आप 0% कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे. सो मैंने म्यूट कर लिया, आप देख सकते हो. अभी आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखाता हूँ. सो एक साथ में हमारा तीनों वीडियो प्ले हो रहा है. अभी हमें इसमें म्यूजिक ऐड करना है, तो इसके लिए आपको टैप टू ऐड म्यूजिक मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से म्यूजिक चूज करेंगे. म्यूजिक चूज करने के बाद आप माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके अपनी तरफ से कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हो या आपको यहाँ पर म्यूजिक मिलता है इसके ऊपर क्लिक करके आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ से डायनामिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ. सो यूज के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद नीचे टिक मार्क ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक आ जाएगा, आप देख सकते हो. सो अभी आपको म्यूजिक के साथ एक बार प्ले करके सुनाता हूँ. ओके, सो हमारा 3 layer वीडियो बनकर तैयार हो चुका है. अभी आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ. सो आप अपने वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मिलता है फिल्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियो पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से.
सो आप देख सकते हो इस क्लिप के अंदर फिल्टर अप्लाई हो चुका है, और इसी तरीके से आप सभी क्लिप पर अप्लाई कर सकते हो फिल्टर। तो आप देख सकते हो मैंने तीनों क्लिप पर फिल्टर अप्लाई कर लिया, और अभी प्ले करके दिखाता हूँ। सो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आपको इस कॉर्नर पे ये जो एरो का ऑप्शन मिलता है, ये डाउनलोडिंग का आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑटो से मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको ये जो मिलता है HDR, इसको आप इनेबल कर लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर जितनी भी लाइन दिखाई दे रहा है, जैसे कि रेजोल्यूशन, इसको 4K कर लेंगे, FPS आप 60 कर लेंगे, और एवरेज बिट रेट को आप जो बिल्कुल हाई कर लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका वीडियो जो सीधा आपकी गली पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।